चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हम बात कर रहे थे त्रिविध रोग आयतन की। तो त्रिविध रोग आयतन मैंने आपको पूरे बता दिए थे, फिर मैंने आपको बताया था युक्ति ही सर्वोपरि। तो युक्ति में मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिए थे मॉडर्न के भी, और मैंने आपको ये बताया था कि युक्ति के कारण ही जो वैद्य होता है वो औषध की मात्रा को निर्धारित कर सकता है, और जो वैद्य युक्तिकृत होता है वही आगे जाके चिकित्सा कर्म में सफलता को प्राप्त करता है। जो वैद्य बिना युक्ति करे, बिना साध्यता साध्यता का विचार करे, पेशेंट को रोगी को अपने क्लिनिक में एडमिट कर लेता है, उसको कुछ हो जाता है तो उसकी यश की हानि, उसकी अप्रतिष्ठा, रोगी का संग्रह नहीं कर पाता, धन की हानि, इन सब कंडीशन का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें भी हम कर चुके थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि युक्ति होती है, युक्ति युक्ति ही कारण होती है कौन सा वैद्य सफल हो पाएगा, कौन सा वैद्य सफल नहीं हो पाएगा। दवाई देना या फिर कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे मुझे क्या कहते हैं कि कौन सी ऋतुओं को साधारण काल बोला गया था, बताइए साधारण काल किस किस ऋतु को बोला गया था। कल मैंने आपको विमर्श में टिक कराए थे, आप लोग लाइक पर भी बता सकते हैं, लिख कर भी बता सकते हैं, बताइए किस किस को साधारण काल बोला गया था, बताइए फटाफट बताइए। जो भी नाम याद आ रहा है साधारण काल किस किस को बोला गया था, किस किस ऋतु को साधारण काल में रखा गया था, आप लोग मुझे लिख कर भी बता सकते हैं। बहुत अच्छा, एक दो बच्चे ने प्राइवेट मैसेज करे, बहुत अच्छा। बसंत, शरद, शिशिर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जिन बच्चों को याद नहीं होता वो चेयर सेक्शन में जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनका देख करके लिख सकते हैं, और आप सब लोग जिनको आता है वो प्राइवेट मैसेज ना कर करके एवरीवन पे मैसेज किया कर। इससे क्या होगा, जिन बच्चों को नहीं आएगा वो भी देख करके लिखेंगे, ठीक है, और एक को देख के एक को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा ये लिख रहा है तो मैं भी लिखूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि तीन मैंने आपको साधारण काल बताए थे, बसंत, शरद और शिशिर। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या कहते हैं अगर आपको याद हो तो, क्या कहते हैं मैंने आपको ये बताई थी मनोहेतु चतुष्टयम। मनोहेतु चतुष्टयम में कौन सा कारण ऐसा था या कौन सा पाद ऐसा था जिससे आपको हमेशा आरोग्य की प्राप्ति हो रही थी। मनोहेतु चतुष्टयम पहले, तो सबसे पहले तो मुझे आप यही बता दीजिए मनोहेतु चतुष्टयम में कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन सी चार चीजें आती हैं। चतुष्टयम में तो मतलब चार चीजें आती होंगी, कौन कौन सी चार चीजें आती हैं और इन चारों में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसके कारण हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है, लिखकर बता दीजिए फटाफट, या बोल कर बता सकते हैं आप लोग, बताइए फटाफट। अगर लिखने में आपको चीज लंबी लगती है तो माइक पर भी बता सकते हैं, जिससे आपको और मेरा दोनों को समय बचेगा। जल्दी फटाफट लिखिए, बड़ा समय लग रहा है आप लोगों को लिखने में, जल्दी लिखिए फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी टाइपिंग की। किसी को नहीं पता, अगर पता हो तो माइक पर बता दीजिए मुझे, नहीं तो मैं ये समझूंगा पता नहीं है फिर मैं बता दूंगा। नहीं पता किसी को, इमरान पता है आपको, इमरान ओके, माइक ऑन है आप आपका लोगों का, यस इमरान पता है आपको, ईशा, शिवांगी, श्रद्धा, आप लोगों को पता है मनोहित चतुष्टय मैंने बताए थे क्या क्या होती है चार चीजें उसके अंदर। देखिए चलिए मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपको पता नहीं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, हालांकि आप यस नो करके मुझे आंसर दे सकते हैं जिससे मुझे इंतजार ना करना पड़े। मुझे लगता है आप लोग लिख रहे हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। यस अविशी बता रहे हैं शायद आप कुछ, ठीक है। तो मनोहित चतुष्टय में क्या क्या आता है, आपका हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, संयोग, ये चार चीजें आती हैं। इसमें जो आपका संयोग होता है ये आरोग्यता का कारण होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो संयोग होगा ये आरोग्यता का कारण होगा। बची हुई तीन अति योग, अयोग, मिथ्या योग, ये आपके रोग के कारण होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए बागवत ने अयोग माना है या हीन योग माना है, ये बताइए बागवत ने अयोग या हीन योग में से कौन सर सा योग हीन माना योग, हीन योग है, हीन योग माना है, चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि त्रिविध बल जो था, त्रिविध बल कौन सा बल इसमें से ऐसा था कि जो अपन रसायन का सेवन करके, व्यायाम का सेवन करके घटा बढ़ा सकते हैं, बताइए कौन सा था, युक्तिकृत। युक्तिकरण, बहुत अच्छा। और कौन सा बल इसमें ऐसा था जो एज के हिसाब से मॉडिफाई होता रहता है, एज के हिसाब से सहज, सहज बहुत अच्छा, सहज, सहज गलत गलत, सहज नहीं होगा कालज होगा, कालज मैंने बताया एज के हिसाब से यानी वय के हिसाब से, वय के हिसाब से मतलब अगर आप अभी जवान हो तो बल ज्यादा होगा, एज के हिसाब से बल कम होता जाता है, ये होता है कालज। ठीक है, सहज का मतलब होता है जो बल हमें स्वाभाविक तौर पर मिला है,
जो हमारा सात्विक बल है, जो हमारा मानसिक बल है, या कह सकते हो जो आपका जेनेटिकली है, दैट इज द सहज, जो आपको पहले से प्रेजेंट है। एक बल होता ऐसा होता है जो ऋतु के अनुसार है, वो भी कालज है, ठीक है, उसको भी कालज बोलते हैं, और जो हमारी एज के अनुसार है वो भी कालज है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि त्रिवर्ग की सिद्धि, जो आपके त्रिवर्ग है, पहले तो आप ये बताइए त्रिवर्ग में क्या क्या चीजें आती हैं, त्रिवर्ग में क्या क्या चीजें आती हैं बताइए, त्रिवर्ग में क्या क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ, काम, बहुत अच्छा। इतना सोचा मत करिए आप लोग, सब आप पढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस पर आकर गलत बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मुझे ये बताइए त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है? मैंने ये पॉइंट भी आपको बताया था कि त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, बताइए आप लोग, थोड़ा तो युक्ति लगाओ आप लोग, बताइए किस प्रमाण से होती है। अरे भी मैंने अभी आपको आंसर बता दिया कि थोड़ा युक्ति लगाओ, तब भी आपको समझ में नहीं आया कि युक्ति प्रमाण से त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि किस प्रमाण के अंदर त्रिकालम शब्द नहीं आया, त्रिकालम शब्द किस प्रमाण के अंदर हम त्रिकाल का ज्ञान नहीं कर सकते? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए कि अनुमान था, अनुमान, अनुमान प्रत्यक्ष के बाद होता है कि प्रत्यक्ष के पहले हो जाता है? प्रत्यक्ष के बाद, प्रत्यक्ष के बाद होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रत्यक्ष का जो श्लोक था, प्रत्यक्ष का श्लोक, इसका क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष का जो श्लोक है, इसमें जो प्रत्यक्ष शब्द है, प्रत्यक्ष शब्द, इसे प्रत्यक्ष में जो अक्ष आया है, अक्ष में सिर्फ आपकी अक्ष यानी आंखें आएंगी, ये संपूर्ण इंद्रियां आ जाएंगी, संपूर्ण ज्ञान इंद्रियां आ जाएंगी इसमें, संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियां आ जाएंगी। और प्रत्यक्ष श्लोक किस किस को याद है, किस किस को याद है प्रत्यक्ष का श्लोक, जिसको याद है सुना दो मुझे फटाफट, जल्दी सुनाइए जिसको याद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप मुझे परीक्षा का श्लोक कौन सुनाएगा, परीक्षा का श्लोक, परीक्षा का श्लोक, कल मैंने आप परीक्षा का श्लोक भी याद करने के लिए दिया था, परीक्षा का श्लोक याद है किसी को, जल्दी सुनाइए अगर याद है तो, जितना याद है उतना सुनाइए, करेक्ट मैं कर दूंगा, थोड़ा भूल जाएंगे तो आप। देखिए परीक्षा का श्लोक कल मैंने आपको बताया था, परीक्षन्ते व्यवस्थापयन्ते वस्तु स्वरूपाणी अन्य इति परीक्षा, यानी जो यथार्थ ज्ञान का साधन होता है, यानी यथार्थ ज्ञान जो साधन है, दैट इज द परीक्षा। मैंने आपको बताया था अगर हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो परीक्षा होता वही प्रमाण है, प्रमाण की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, यथा ज्ञान का साधन, वही डेफिनेशन परीक्षा की होती है। बस श्लोक अलग दे दिया आचार्य चरक ने, प्रमाण का अलग दे दिया है, परीक्षा का अलग दे दिया, परीक्षा के लिए बोल दिया परीक्षा, व्यवस्थापयन्ते वस्तु स्वरूपाणि अन्य इति परीक्षा। अब मुझे ये बताइए यथार्थ ज्ञान क्या बोला गया था, यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान क्या बोला गया था, प्रमा। और यथार्थ ज्ञान का साधन क्या होता है, प्रमाण। और विषय क्या बोलते हैं यथार्थ ज्ञान के विषय को, प्रमेय। प्रमेय। और जिसको यथार्थ ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रमाता। प्रमाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप मुझे ये बताइए कि संसार में जो दो वस्तुएं हैं सत और असत, उसमें उनका डिफरेंशिएशन किन किन प्रमाणों द्वारा कर सकते हैं, किन किन प्रमाणों द्वारा, कौन कौन से प्रमाण के नाम आए थे श्लोक में बताइए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, युक्ति, अनुमान। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका एक बुक थी, उसको किस राइटर ने लिखा था, सांख्य कारिका को, सांख्य कारिका को, ये भी मैंने बताया था आपको विमर्श में, सांख्य कारिका को किसने लिखा था बताइए, याद आ रहा कुछ, ईश्वर कृष्ण नाम आ रहा, याद आ रहा आपको, ईश्वर कृष्ण याद आया किसी को, ईश्वर कृष्ण, मैंने बताया था सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी थी, जब हमने आपको प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक कारण बताए थे उसमें आपको विमर्श बताया था, मैंने क्या था कि अति दूरात से स्टार्ट होता है, ईश्वर कृष्ण का श्लोक है जो सांख्य कारिका में लिखा गया है, कभी पीजी में क्वेश्चन आ जाता है अति दूरात, अति समीप, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ये श्लोक आपको याद नहीं करना, बस इसका स्टार्टिंग पोर्शन जो है अति दूरात, यहाँ से आपको श्लोक को पकड़ लेना है कि श्लोक किसका है, हमारे ईश्वर कृष्ण जी का है, जो कि उन्होंने सांख्य कारिका में लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आपुनर्भावी है, आपुनर्भावी, इसमें आपुनर्भावी का मतलब क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, आपुनर्भावी का,
बताइए आपुनर्भावीवादी का मतलब क्या है। चलिए इतना बता दीजिए, जो आपुनर्भावी का मतलब ये होता है कि जो आप जो पुनर्जन को माने या जो पुनर्जन को नहीं मानते, क्या आएगा इसके अंदर, जो पुनर्जन को माने या ना माने, बताइए माने या ना माने, इतना बता दीजिए साहब मुझे। ना माने। ना माने, बहुत अच्छा, ना माने। अब जो मैंने आपको अष्टत्रिक बताए थे, अष्टत्रिक, तो मैंने आपको उसमें एक शब्द बताया था त्रिस्थूण, त्रिस्थूण, चैप्टर फर्स्ट के बेसिक्स में बताया था त्रिस्थूण शब्द किसके लिए आया है, त्रिस्थूण शब्द वात पित्त कफ के लिए। हमारे आचार्य सुश्रुत ने एक आभ्यंतर प्राण बताया, आभ्यंतर प्राण किसको बताया है, आभ्यंतर प्राण उन्होंने, आचार्य सुश्रुत ने आभ्यंतर प्राण किसको बताया है, आचार्य सुश्रुत ने शक्ति को, किसको बताया है, शक्ति को। और बाह्य प्राण किसको बताया था, बाह्य प्राण बताइए, बाह्य प्राण किसको बताया है, अन्न को, किसको बताया है, अन्न को। ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे अक्षर सीखे हैं। अब एक शब्द आया था ज्ञान अधिकरणम, ये ज्ञान अधिकरणम शब्द किसके लिए आया है, ज्ञान अधिकरणम, आगे क्या लिख रहा था श्लोक में, आत्मा, आत्मा, बहुत अच्छा, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कहते हैं अगर आपको याद हो तो, क्या कहते हैं, व्याप्ति, व्याप्ति क्या था अनुमान प्रमाण, व्याप्ति, किसी को याद है व्याप्ति क्या था, सिंपल आप बोल सकते हैं व्याप्ति और व्याप्ति जो था व्यापक और व्याप्त का जो संबंध होता है, क्या कह सकते हो, जो अनब्रेकेबल रिलेशन होता है लाइक समवाय संबंध, उसी को हमने क्या बोल दिया था, व्याप्ति बोल दिया था। जैसे अग्नि और धूम का जो संबंध था उसको हमने व्याप्ति बोल दिया था। फिर मैंने आपको इसके अलावा मैंने आपको त्रिविध, त्रिविध करके काफी सारी चीजें बताई थी, तो मैंने आपको त्रिविध रोग के आयतन बताए थे, तो कौन कौन से थे त्रिविध रोग आयतन, क्या क्या कारण होते हैं रोग के, बता दीजिए मुझे क्या क्या रोग आयतन के कारण थे, बताइए, साथ में इंद्रिया, संयोग, प्रज्ञा पराध और काल परिणाम, परिणाम, बहुत अच्छा, सिंपल बात है, सिंपल मैंने आपको बताया था कि जो प्रज्ञा अपराध है, साथ में इंद्रिया संयोग है, या फिर आपका परिणाम है, इनको किस में रखा गया है, त्रिविध रोग आयतन में रखा गया है। फिर मैंने आपको त्रिविध विषज बताए थे, त्रिविध विषज या तीन प्रकार के जो वैद्य बताए थे, कौन कौन से थे वो तीन प्रकार के वैद्य, छद्मचर, सिद्ध साधक, जीविताभिसार, जीविताभिसार, इससे बेस्ट कौन सा था जो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, बताइए बेस्ट कौन सा था इनमें से जो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, या हमें किस वैद्य पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, विशेषण, जीविताभिसार, कौन सा, जीविताभिसार। पहला क्या था आप कह सकते हो, छद्मचर, छद्मचर वैद्य क्या होता है, मैं अभी बता देता हूँ अभी क्या आएगा, छद्मचर आप कह सकते हो जिसमें कहते हैं आपका क्लिनिक की तरह सजा लिया हो, फालतू की सो वाजी की अलमारी रख ली हो, मोटी मोटी किताब टेबल पर रख ली हो, दिखा रहा हूँ कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़का डॉक्टर हूँ, वो होते हैं छद्मचर, यानी एक तरीके से फेक डॉक्टर, स्क्वैक्स। दूसरे होते हैं सिद्ध साधित, मतलब सिद्ध साधित जो किसी डॉक्टर के नाम पर बैठा हुआ है, काफी ऐसे क्या कहते हैं लोग होते हैं जो जो डॉक्टर होता है उसके नीचे काम करते हैं, फिर क्या कहते हैं कुछ सालों बाद वो डॉक्टर बन जाते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, सुना हुआ काफी कंपाउंडर ऐसे होते हैं जो 8-10 साल किसी बड़े डॉक्टर के नीचे काम करा और अपना हॉस्पिटल खोल लेंगे, फिर लोग उन्हीं को डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलने लग जाते हैं। डेट इज द सिद्ध साधित, मतलब जो किसी सिद्ध पुरुष के स्थान पर बोलता है कि उस सिद्ध पुरुष ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आपकी ट्रीटमेंट करूं, यानी उसके नाम पर वो अपना धंधा चलाता है, डेट इज द सिद्ध साधित। और जो जीवित अभिशार है या जो प्राण अभिशार है, ये श्रेष्ठ होता है, जो प्राण की रक्षा करता है, इसको युक्ति का भी ज्ञान रहता है और यही असली वैद्य या चिकित्सा करने योग्य पुरुष होता है जिसकी जिससे आपको चिकित्सा अपनी करवानी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आज काफी रह गया है, कोशिश करूंगा टॉपिक आज खत्म हो जाए, अभी हम त्रिविध रोग मार्ग की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीन लगाते हैं, बात शुरू करते हैं। ये रिवीजन जरूरी होता है, इस रिवीजन में क्या होता है कि एक बार हमने जो चीज पढ़ी है एक तरीके से रिकॉल हो जाता है, क्योंकि अभी चरक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि मैं सारी बातों को दोबारा रिपीट कर सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं जितनी बातें हो जाए हमारे रिवीजन में कवर अप हो जाए। ठीक है, आइए बातें शुरू करते हैं, स्क्रीन लगाते हैं और बात करेंगे त्रिविध रोग से। कल युक्ति तक हो गया था, बात करेंगे त्रिविध रोग से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। युक्ति तक हो जाता है, आज बात करेंगे त्रिविध रोग से। ठीक है, त्रिविध रोग,
तीन प्रकार के रोग होते हैं, आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी सारी बातें ऐसी हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस टाइम पास को भी यहाँ पर दिया गया है। पहला होता है निज, दूसरा होता है आगंतुक, तीसरा होता है मानस। मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ निज आगंतुक में क्या डिफरेंस होता है। निज में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे शरीर के अंदर दोष है इनका प्रकोप होता है, फिर उसके कारण रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे मैंने बताया आपने निदान सेवन कर लिया, आपने निदान सेवन क्या कर लिया, आपने वातज आहार विहार का, शीत का, रुक्ष का, लघु का, आपने रात्रि जागरण कर लिया, इन सब निदानों का सेवन कर लिया जिसकी वजह से वात का प्रकोप हुआ, और जब वात का प्रकोप हुआ तो उसने व्याधि की उत्पत्ति कर दी, जटिल निज रोग। यानी इसके अंदर आपके शरीर के अंदर के दोष प्रकोप हुए निदान सेवन के कारण, और उसने रोग की उत्पत्ति कर दी, जटिल निज। आगंतुक क्या होता है, कोई बाहरी आघात लग गई, आप रोड पर जा रहे थे, क्या कहते हैं, भेलपूरी खा रहे थे, किसी से कोई आकर टकरा गया, दैट इज द आगंतुक। आगंतुक में क्या होता है, पहले रोग की उत्पत्ति हो जाती है, पहले व्याधि आ जाती है, देन दोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है। तीसरा मानस, मानस क्या होता है, जबकि जो मन होता है किसी अहित वस्तु के साथ, जिस वस्तु के साथ आपको नहीं, आप पूरे दिन टेंशन ले रहे हैं, पास कैसे हूँ, पूरे दिन टेंशन ले रहे हैं, क्या कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सोता रहता हूँ बस, तो डेट इज द मानसिक रोगों का कारण है। यानी जो हमारी पसंद की चीजें नहीं उनके बारे में सोचना, जो क्या कहते हैं हमें कोई चीज मिल नहीं पाई, हमने सोचा कि हम टॉप करेंगे, हम बढ़िया पास हो जाएंगे, हमें वो चीज मिल नहीं पाई, तो जो चीज हम सोच रहे थे, जिस चीज की हमें चाहती, जिस हित वस्तु की यानी बेनिफिशियल आइटम की हमको इच्छा थी, चाहती, उसको प्राप्ति ना होने पर हमको दुख होता है, और हमारा मन उसी में उलझा रहता है, जिससे हमें मानसिक रोग की उत्पत्ति होती है। आप देखो लोग कैसे पागल हो जाते हैं, फैक्ट्री में आग लग गई पागल हो जाएंगे, कोई अपना छोड़कर चला गया पागल हो जाएंगे, कोई क्या कहते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इस तरीके की जो घटनाएं होती है हमको मानसिक एकदम मेंटल एकदम इफेक्ट डालती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, मानसिक रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तब कह सकते हैं निज रोग मतलब जिसके अंदर हमारे शरीर के जो दोष है, वात दोष है, उनका प्रकोप हो जाता है निदान सेवन के कारण, तब जो रोग की उत्पत्ति होती है डॉक्टर निज रोग। आगंतुक में क्या होता है, कोई बाहरी आघात लग गया, कोई संक्रमण हो गया, कोई जीवाणु की वजह से, कोई किसी ने झाड़ फूक करवा दी, कोई वायु का स्पर्श लग गया, कोई हवा लग गई, कोई अग्नि से जल गया, कोई गर्म पानी से जल गया, कोई समुद्र में गिर गया, कोई पैर फंसल गया, कुछ भी हो गया, डेट इज आगंतुक। मानस में बताया अहित वस्तु के सेवन से, ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। विमर्श में देखेंगे, विमर्श में लिख रहा है रोजा सामान्य से, आप बोल रहे हैं रोग तीन प्रकार के होते हैं, मैं तो बोलूंगा रोग एक ही प्रकार के होते हैं। रोग एक ही प्रकार कैसे होते हैं, और रोग वो है जिसमें यदि रोग एक ही प्रकार है, और रोग कोई भी हो, चाहे निज हो, चाहे आगंतुक हो, चाहे मानसिक हो, दर्द देता है। कितना बढ़िया उन्होंने बात बोल दी कि रोग एक ही प्रकार का होता है, हम रोग उसको बोलेंगे जो हमें दर्द दे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे लिख रहा है अधिष्ठान भेद से तीन प्रकार का है, जो हमें ऊपर देखा है अधिष्ठान भेद से, कि आपके मन को दूषित कर रहा है, आपके शरीर को दूषित कर रहा है, और आपके शरीर में भी दो प्रकार से आ रहा है, या तो अंदरी कारण से या बाहरी कारणों से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे लिख रहा है स्वाभाविक रोग, स्वाभाविक रोग, स्वाभाविक रोग के बाद में पहले में हम पहले भी चर्चा कर सकते हैं कि स्वाभाविक रोग किसको बोलते थे, मैंने आपको बताया था जो आचार्य शारंग धर्म ने, उन्होंने जरा को और मृत्यु को क्या कहते हैं, और जरा को और भूख को एक तरीके से स्वाभाविक रोग बताया है, कि ये नॉर्मल है, ये हर किसी के अंदर आते हैं, हर कोई बूढ़ा होता है, हर किसी को भूख प्यास लगती है, एक तरीके से स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, यानी जो बच्चा स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ता हुआ आ रहा है, चलिए अब सारी बातें उसको धीरे धीरे समझ में लग जाएगी। जैसे हम निदान स्थान की तरफ बढ़ेंगे, विमान स्थान की तरफ बढ़ेंगे, सारी स्थान की तरफ बढ़ेंगे, तो कुछ ज्यादा बातें मोस्टली बातें ऐसी होंगी जो हम यहाँ पर सूत्र में पढ़ चुके होंगे, या कुछ बातें ऐसी होंगी जैसा था जो हम फर्स्ट ईयर में कहेंगे पढ़ के आ चुके होंगे। जैसे जो शारीरिक स्थान है, आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक मिनट, पता नहीं आपकी क्लास के टाइम मेरी वॉइस क्यों दिक्कत करती है, या तो मेरी किस्मत खराब हो रही है। अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है आवाज, यस सर, ठीक है। जो चलिए जितना चर्चा हो सकती है हम ऐसे कर लेते हैं, पता नहीं आपकी क्लास का टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि तो जो रचना पदार्थ है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आती, सब कुछ बढ़िया चलता है, आपको क्लास में आते आते ऐसा लगता है मुझे नेटवर्क भी थक जाता है, ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा था बेसिक बात की, मैं आपको बता रहा था रोग के बारे में, तो मैं आपको ये बता रहा था रोग के बारे में कि जो रोग होते हैं बेसिकली जो रोजा उत्पन्न करे वो एक प्रकार का रोग होता है, उसके अलावा जो आचार्य शारंग धर है उन्होंने स्वाभाविक रोग बताए हैं कि जो जरा यानी जो बुढ़ापा लाए और जो कितने भूख पे उत्पन्न करे स्वाभाविक नेचुरल है, हर किसी के अंदर ये देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मानसिक रोग की चिकित्सा, एक हेडिंग आई है, हेडिंग है कि मानसिक रोग की चिकित्सा, कुछ ऐसा नहीं है, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा हेडिंग का या कुछ भी तो बता दूंगा, फिलहाल आप देखेंगे मानसिक रोग की चिकित्सा कुछ नहीं है नया, बस उसमें कहानी लिख रही है, इसमें जो कहानी लिख रही है बस अभी जो जब मैं आपको अभी रोग मार्ग पढ़ाऊंगा तब मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, बाकी जितना हो रहा मैं इसमें बता रहा हूँ, साउंड क्लियर आनी चाहिए, मेरी बात क्लियर पहुंचनी चाहिए आप तक। तो बता रहा था कि मानसिक रोग की चिकित्सा, क्या चिकित्सा बताई गई, क्या औषध बताया गया है, तो ये बोला गया है क्या कहते हैं कि जो मानसिक रोग है उसके लिए क्या करना है, उसका सबसे पहले कारण देखिए, कारण क्या था कि जब आप अहित वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप अहित वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, जो अहित पदार्थ हैं, जो अहित विषय हैं,
उसके साथ अपना संपर्क बिठा रहे हैं, तब जाके आपको मानसिक रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो अगर आपको मानसिक रोग से बचना है तो क्यों ना जो अहित वस्तु उनका त्याग कर दिया जाए, क्यों ना जिन चीजों से हमारा मन विकृत हो रहा उन चीजों से दूर कर दिया जाए अपने मन को, ठीक है, क्यों ना उन विद्याओं का सेवन करा जाए जो विद्या हमारे मन को अच्छे कामों की तरफ ले जाए, या हमें क्या कहते हैं उन धर्म का, अच्छे धर्म का, हितकर धर्म का पालन करना है, ना कि अहितकर धर्म का। हमें हितकर कर्म करनी है, हितकर का क्या कहते हैं अर्थ करना है, हमें बुद्धिमान मनुष्य के साथ रहना है, जो लोग डिस्टर्ब करने से दूर जाते जाना है, ये सब हमें करना है। फालतू कहानी दी गई है, असली चिकित्सा मानसिक रोगों की पहले चैप्टर में दी गई थी, अगर आपको याद हो, क्या कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं धी, एक देखिए भागवत ने बताई है मानसिक चिकित्सा, मानसिक रोग चिकित्सा, और चरक ने बताई है, चरक ने चरक सूत्र एक में क्या बोला है, ज्ञान विज्ञान धौर्य स्मृति समाधि, ये पांच चिकित्सा बताई है मानसिक रोगों के लिए, ज्ञान विज्ञान धौर्य स्मृति समाधि, ये पांच चिकित्सा किसके लिए बताई गई है, मानसिक रोगों की चिकित्सा बताई गई है। जबकि जो आचार्य भागवत ने क्या बोला, धी धौर्य आत्मादि विज्ञानम, ये चिकित्सा बोली है मानस ज्ञान की भागवत में। बस ये चिकित्सा जहां पढ़ते थे वहीं पढ़ के आ जाएंगे, बस यहाँ पर जो बात बोली, यहाँ पर तो सिर्फ फालतू की बात बोली, क्या फालतू की बात बोली है, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि अपने मन को सही जगह लगाओ, फालतू चीजों से अपने मन को दूर कर लो, सिर्फ कहानी बोली है यहाँ पर, असली बात आचार्य चरक ने चरक सूत्र एक में बोल दी, और भागवत ने भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान एक में ये बात बोल दी, ठीक है। अब बताइए आवाज ठीक आ रही है फिलहाल मेरी, आवाज ठीक आ रही है? यस सर, ठीक है, ठीक। तो चलिए मैं स्क्रीन लगाता हूँ, बात करेंगे त्रिविध रोग मार्ग की। डिस्टर्ब के बाद तुरंत मुझे आप व्हाट्सएप क्या कहते हैं या फिर माइक ओपन करके तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए सीधे आएंगे त्रिविध रोग मार्ग। देखिए रोग मार्ग क्या कहते हैं, रोग मार्ग मतलब जो क्या कहते हैं रोग होते हैं उनकी एंट्री के लिए जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं तीन बताए गए। पहला हो सकता है रोग जो आपके आउटर पार्ट में हो जाए यानी शाखा में हो जाए, दूसरा जो आपके रोग है वो इंटरमीडिएट स्टेज तक आ जाए यानी मध्यम स्टेज तक आ जाए, जैसे मर्म अस्थि संधि मार्ग, ये नाम है अभी कोशिश कर रहा हूँ इसी तरीके से याद करने। जो शाखा होती है यानी बाहर की तरफ होती है, आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है, इसलिए बोल जाएगा बाहर रोग मार्ग। इसलिए मैंने ये आपको दिख रहा होगा ये क्या कहते हैं पर्पल कलर से इसी के ऊपर मैंने नाम भी लिख रखे हैं जिससे आपको हैंड टू नाम याद हो जाए। अभी मैं आपको श्लोक को डिकोड करा दूंगा इनके अंदर क्या क्या आइटम आता है ये श्लोक के अपन देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है बाह्य रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग शाखा को बोला गया है, मध्यम रोग मार्ग मर्म अस्थि संधि को बोला गया है, आभ्यंतर रोग मार्ग कोष्ठ को बोला गया है। यानी बाह्य में क्या क्या आ जाएगी आपकी शाखा है, शाखा के अंदर क्या आएगा आइए श्लोक देखेंगे, आप मध्यम में क्या आ जाएगा मर्म अस्थि संधि आ जाएगी, और क्या आएगा श्लोक में देखेंगे, आभ्यंतर के अंदर कोष्ठ आ जाएगा, कोष्ठ के अंदर क्या क्या चीज आती है श्लोक में देखेंगे। आइए श्लोक भी देख लेते हैं, पहले श्लोक में नंबर वन पॉइंट दे रहा है, शाखा रक्त आदयो धातु धातु सा त्वचा सा बायो, यहां तक देखेंगे पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में हमारे पहले रोग मार्ग का डिकोडेशन किया गया है कि शाखा शाखा और बाह्य ये तो मार्गों के नाम है। अब इन मार्गों के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो पहला रक्त आता है, रक्त आदि आदि मतलब आदि आदि धातु, रक्त आदि वो धातु यानी रक्त से लेकर आगे तक की धातु। ध्यान रखेंगे स्पेशल पॉइंट मार्क करेंगे विमर्श का का, विमर्श का यहाँ पर शाखा में रस धातु का परिग्रहण नहीं किया गया यानी रस धातु को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया गया। यानी जब भी शाखा की बात करेंगे आउटर रोग मार्ग की बात करेंगे तो इसमें क्या कह रहा गया है नॉट इन्वॉल्व रस धातु, ठीक है, इसमें रस धातु को इन्वॉल्व नहीं किया गया। किसमें शाखा में रक्त से लेके यानी इसमें छह धातु आई है, रक्त आया है, मांस आया है, मेद आया है, अस्थि आया है, मज्जा आया है, शुक्र आया है, लेकिन रस धातु नहीं आया। ऐसे कहा जाता है जो रस धातु होता है मूल होता है, और अगर मूल ही दूषित हो जाएगा तो इसका बाह्य बोलेंगे ही नहीं, इसलिए इसके अंदर रस धातु का परिग्रहण नहीं किया गया। फिर क्योंकि आपको पता है जो रस धातु होता है रस धातु का स्थान कहाँ बताया गया, हृदय बताया गया है, अगर रस धातु दूषित हो जाएगा तो हृदय दूषित हो जाएगा, और हृदय अगर दूषित हो गया जो रोग है अब मध्यम नहीं रहा, अब बाह्य नहीं रहा, सीधे रोग आभ्यंतर हो गया। इसलिए ध्यान रखना है कि जो रस धातु होती है आपकी मूल होती है, इसका स्थान आपके हृदय के अंदर बताया गया है, इसलिए बाह्य रोग मार्ग के अंदर रस धातु को नहीं रखा गया, क्योंकि माना जाता है कि रस धातु के दूषित होने पर जो रोग है बाह्य नहीं होकर सीधे आभ्यंतर हो जाएगा। बात करेंगे पहले नंबर पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि शाखा रक्त आदि धातु सा त्वक, और इसके अंदर त्वक भी आती है, त्वचा भी आती है, इसके अंदर त्वचा भी आती है, यानी बाह्य और शाखा रोग मार्ग जो है नंबर वन बाह्य और शाखा, इसके अंदर रक्त आदि धातु यानी रक्त से लेके आगे तक की धातु, और इसके अलावा त्वक भी आ जाती है। नंबर टू पॉइंट नंबर सेकंड लाइन देखेंगे,
हाईलाइट कर रखा है इसने, सभी बॉक्स में बंद कर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मध्यम रोग मार्ग तक, मध्यम रोग मार्ग तक। जय मरमाड़ी बोलिए, जय मध्यम रोग मार्ग बोली बात एक ही है, जो मध्यम रोग मार्ग है, मध्यम रोग मार्ग की मरमाड़ी शाखा अस्थि को बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ध्यान रखेंगे, वस्थि, हृदय, मूर्धा। देखिए मोस्ट लोग सोचते हैं जो हृदय है वो अभ्यंतर है, जबकि सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, बच्चे टिक कर देते हैं, कुछ आता है कि हृदय को किस रोग मार्ग में रखेंगे, मध्यम में रखेंगे, शाखा में रखेंगे या फिर आउटर में रखेंगे, तो बच्चे कर देते अभ्यंतर टिक कर देते, अरे हृदय तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तुरंत अंदर लगो। लेकिन जो हृदय है वो इंटरनल ऑर्गन भले ही है, लेकिन इसको किस में रखा गया है, मरमाड़ी। अब ऐसे मान लीजिए हृदय है वो क्या है, मर्म है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा हृदय क्या है, मर्म है, हृदय हो गया, अस्थि हो गया, नाभि हो गया, क्या मर्म है, तो इन सब की जो गणना करी गई है ये मरमाड़ी में की गई है, ठीक है। आप ऐसे कैसे याद कर सकती हैं कि मरमाड़ी के अंदर क्या आया है, बस्ती, बस्ती आया है, हृदय आया है और मूर्धा यानी सिर आया है, अस्थि आई है, संधि आई है, ठीक है, ये सब इसके अंदर आइटम आया है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं इसमें आप देखेंगे क्या कहते हैं कंडरा और स्नायु भी आई है, हिंदी पढ़ लेंगे, अस्थि आई है, संधि आई है, हड्डियों के जोड़ मतलब, ठीक है, और स्नायु और कंडरा आई है। बात करें आउटर यानी क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं बाहे, सॉरी आउटर हो गया, मिडल हो गया, अब बात करेंगे इनर की। अब बात किसकी करेंगे, इनर की बात करेंगे यानी आभ्यंतर की बात करेंगे। जो आभ्यंतर है नंबर थर्ड लाइन देखेंगे, नंबर थर्ड लाइन सबको रेज कर रहा हूँ जिससे आपको कहते हैं दिखने में या कोई कठिनाई ना हो, यहां से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, कोष्ठम आभ्यंतरम, यानी आप देख रहे होंगे जो प्लेसेस है यानी बीच में प्लेसेस के नाम है, जो स्थान आए हैं, और स्टार्टिंग और एंडिंग में रोग मार्ग के नाम है, स्टार्टिंग में रोग मार्ग का नाम, लास्ट में रोग मार्ग का नाम, ठीक है, ठीक है, और बीच में प्लेसेस के नाम कौन कौन से स्थान उसके अंदर आते हैं, बस इसको तीनों में लिख दो, शिलुक बन जाएगा। शिलुक बनाने कितना आसान है, लिख दिया तिर्यो रोग मार्ग का, तीन रोग मार्ग होते हैं, तिर्यो रोग मार्ग कौन कौन सा, शाखा, मर्मस्थि, संधि, कोष्ठ, फिर क्या लिख दिया, तत्र शाखा रक्त आदि धातु सत्वों का सब आयोग, फिर क्या कर दिया, मरमाड़ी, हृदय प्रवस्थि मूर्धानी, अस्थि संधि अस्थि संयोगात तत्र उपनिबद्धाश स्नायु कंडरा सा मध्यम रोग मार्ग का, यानी बीच में आप देख रहे होंगे बीच में स्थान बता दिए और स्टार्टिंग में और एंडिंग में रोग मार्ग के नाम बता दिए, तो ये आपका पूरा श्लोक हो गया। बात करेंगे नंबर थ्री कोष्ठ, जो कोष्ठ है इसको आभ्यंतर बोला गया, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो देखेंगे महाश्रोतस। देखिए महाश्रोतस क्या होता है, महाश्रोतस मतलब कि जीआईटी, जबकि गट है, गट गट मतलब यानी आपका माउथ से लेके जो एनल ओपनिंग पे जो गट है इसी को अपन महाश्रोतस बोल देते हैं। और क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आपका पकवाशय आ जाएगा, आमाशय आ जाएगा और आपका महाश्रोतस, यानी आपका पूरे तरीके से कह सकते हो इसके अंदर पूरी आपकी जीआईटी आ गई, पूरी गट आ गई। तो ये रोग मार्ग होते हैं, ये सारी मैंने आपको बता दी विमर्श की, इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे आप आएंगे सीधे आप आएंगे गा नंबर पॉइंट पर, गा कोष्ठ। इसमें देखिए कुछ संख्या दी गई है कोष्ठ की, कोष्ठ की संख्या कुछ दी गई है, तो ध्यान रखेंगे आठ होते हैं कोष्ठ, कितने होते हैं आठ, फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कोष्ठ की संख्या, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट कि ये आपको फर्स्ट की याद दिलाएगा, थोड़ा रचना का भी रिवाइज हो जाएगा, इसलिए ये आठ नाम मैंने हाईलाइट कर दी, आठ नाम को याद कर लिया है कि पहला आमाशय, दूसरा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, तीसरा पकवाशय, चौथा मूत्राशय यानी मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर किडनी, रुद्राशय बेसिकली जो किडनी होती है, किडनी को ब्रक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर मूत्राशय में इन्होंने ब्लैडर लिख दिया। देखिए जो विमर्श होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आचार्य द्वारा लिखा गया है, कभी कभी विमर्श गलत भी हो जाता है, इसलिए कुछ जगह जो मूत्राशय इसमें सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर आता है, किडनी को ब्रक अलग से बोला जाता है, और कहीं कहीं जो किडनी है इसको मूत्राशय के अंदर ही ले लिया जाता है, तो आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मान लेंगे कि बुक में कभी कभी एरर हो जाता है। हृदय, हल्ट, कुंडूक, सीकम, फुफ्फुस, लंग्स, ये आठ नाम है। क्या अगर आपको नाम याद ना हो पाए तो कम से कम कोष्ठ की संख्या याद हो जाए, अगर मैं आपसे कल पूछूं कि कोष्ठ कितने होते हैं तो आप बोल रहे हैं कि सर आठ होते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं जो बात मानते हैं सुनते हैं वो ये आठ नाम याद कर रहे हैं, ठीक है, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, जितनी आपको फर्स्ट की चीज याद रहेंगी पीजे के लिए आपका कदम उतनी मजबूती से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं महाश्रोतस, अगली लाइन देखेंगे, महाश्रोतस के तीन भाग होते हैं, या आप कह सकते हैं जब जी आई टी है महाश्रोतस है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, पहला गलविवर से आमाशय यानी गलविवर मतलब माउथ, माउथ से आमाशय यानी स्टमक तक, फिर गिलहरी यानी ड्यूडेनम से सीकम सॉरी इलियम तक, सुद्राम तक, और फिर लास्ट में उंडूक से आपके गुदवा तक, इस तरीके से तीन भाग है, बस अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, आइए आगे आइए। आगे आने से पहले मुझे बताइए मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी, यस सर, कहीं भी किसी भी मोड़ पर आवाज दिक्कत करे आप तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है, पर अपन इसको डिस्कस करेंगे क्लास का टाइम क्या रखना चाहिए, क्योंकि मोड मुझे हो सकता है
क्या कहते हैं, या फिर क्लास लास्ट में होती है और लगातार जूम चलता रहता है विदाउट एनी रेस्ट, इसमें से हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा हो, या तो क्लास अपन लेट कर जाएंगे थोड़ा 9 बजे के आसपास से, या फिर क्लास को सुबह कराएंगे, तो कुछ कराएंगे क्योंकि चरक में व्यवधान ठीक नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ रोग बताए गए हैं, कुछ डिसीज बताई गई है, ये डिसीज आपको याद करनी पड़ेंगी। कुछ डिसीज ऐसी होती है जो आपके बाह्य रोग मार्ग यानी शाखा में होती है, कुछ डिसीज ऐसी होती है जो आभ्यंतर यानी इनर यानी पोस्ट में होती है, कुछ डिसीज ऐसी होती है आपके मिडल यानी कि मध्यम यानी कि मर्म अस्थि संधि मार्ग में होती है। अब कौन कौन सी डिसीज है ये याद आपको करना पड़ेगा। देखिए कौन इनकी काउंटिंग देखिए, काउंटिंग जो शाखा वाली बीमारी है या कह सकते 14 होती है, जो मर्म अस्थि वाली है ये 12 होती है, ठीक है, और जो पोस्ट वाली है ये 16 होती है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर ट्रिक है, शाम को 16 ये ट्रिक है, 14 क्या है शाखा के रोग मार्ग, सॉरी शाखा रोग मार्ग के जो व्याधियां हैं या शाखा रोग मार्ग के रोग, 12 क्या है 12 मध्यम यानी जो आपका बस्ती मर्म वाला है इसके रोग मार्ग के रोग यानी मध्यम के, और 16 ये आभ्यंतर के, क्या आपके आभ्यंतर यानी आपके आमाशय में इतनी इतनी व्याधि होती है, तो ध्यान रखना है कि आपका आमाशय है उसमें या आप आमाशय हो गया पकवाशय हो गया या माशरस हो गया उसमें 16 रोग होते हैं, 16 व्याधियां होती हैं, और आपका जो मध्यम है इसमें 12 व्याधियां होती हैं, और जो आपको शाखा है इसमें 14 व्याधियां होती हैं। अब कौन कौन से नाम है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, कुछ नाम ऐसे हैं जो बाह्य और आभ्यंतर में सेम है, कुछ नाम ऐसे हैं जो बाह्य और आभ्यंतर दोनों में सेम है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है जो बाह्य और आभ्यंतर में सेम है, तो इसके लिए ट्रिक है बीवी के आगे क्षमा, बीवी के आगे क्षमा। ठीक है, अब देखिए बी बी से क्या हो जाएगा, बी से पहले बी से विषर्प, दूसरे बी से विद्रदी, आगे से क्या हो जाएगा अर्श हो जाएगा, और गा से गुल्म हो जाएगा, और शा से क्या हो जाएगा क्षमा से शोत हो जाएगा। तो याद कर लेंगे, ऐसे कभी याद कर लेंगे कि बायस के आगे हर किसी को अपने टुकड़े टेकनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है, तो बीबी के आगे क्षमा, बीबी के आगे क्षमा, तो बीबी से विषर्प विद्रदी, दूसरा क्या कहते हैं आगे से आ से अर्श, गे से गुल्म, और क्षमा से आपका शोत हो गया। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे, पहला आपको अगर पूछा जाए कि बाह्य मार्ग में या आभ्यंतर मार्ग में कौन कौन सी व्याधियां होती हैं, तो 5-5 नाम आप दोनों में लिख सकते हैं। इसके अलावा पीजी में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी व्याधि ऐसी है जो बाह्य मार्ग में और आभ्यंतर मार्ग में दोनों में होती है, ऑप्शन आ जाए विसर्प, फिर और आ जाए कहते हैं कि ज्वर हो गया, कुष्ठ हो गया, कंडू हो गया, तब टिक कर देंगे विसर्प को, क्योंकि विसर्प ऐसा नाम है जो बाह्य और आभ्यंतर में दोनों में आ रहा है। तो ट्रिक याद करेंगे बीबी के आगे क्षमा, तो विसर्प विद्रदी अर्श गुल्म और शोर। आइए कुछ बीमारियों के नाम बता देता हूँ आपको, जितने याद हो सके उतना नाम याद कर लोगे। देखिए जो शाखा में रोग मार्ग, देखिए शाखा के अंदर क्या क्या आ रहा था, मैंने बताया था त्वचा आ रहा था और रक्त आदि धातु आ रही थी, त्वचा और रक्त आदि धातु। अब जाहिर सी बात है जब इसके अंदर त्वचा आ गई तो त्वचा में दिक्कत भी आएंगी, यानी इसलिए सारे स्किन डिसऑर्डर्स इसके अंदर आते हैं त्वचा के अंदर। तो इस तरीके से याद कर लोगे जितने भी त्वचा यानी स्किन डिसऑर्डर्स है सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे शाखा के अंदर। आप देख लेंगे व्यंग व्यंग हो जाना, फुंसी निकल आना, कुष्ठ हो जाना, मस्सा निकल आना, अधिमास, मास का ओवरग्रोथ हो जाना, चर्म कील, छोटी छोटी चर्म कील निकल जाती है ना, हल्के हल्के आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल ग्रोथ निकल जाती है चर्म कील, अपची हो जाना, अलजी हो जाना, पीड़ी का निकल आना, प्रमेह पीड़ी का, गलगंड, आप देख लेंगे मेजरली इसमें क्या कहते हैं मेजोरिटी में त्वचा यानी त्वक विकार दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि शाखा में रोग हो रहे हैं इसमें जो मैक्सिमम है त्वच विकार है, दूसरा रक्त आदि धातु दूषित हो रही है, इसलिए रक्त आदि दूषित होने के कारण भी आपके कारण क्या होंगे विषर्प हो रहा है, शोथ हो रहा है, गुल्म हो रहा है, अर्श हो रहा है, विद्रति हो रही है, ये रक्त के कारण हो रही है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, 5 नाम मैंने आपको ऊपर याद करा दिए। देखिए 5 नाम देवी रक्त के विषर्प है, शोथ है, गुल्म है, अर्श है, विद्रति, देख रहे आदि रोग भी शाखा होती है, इन्हें बाह्य मार्ग के रूप में आ जाते हैं। लास्ट के 5 नाम, लास्ट के 5 नाम ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करा दिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे लास्ट के 5 नाम बता देता हूँ, लास्ट के 5 नाम को हाईलाइट कर देते हैं अपन, विषर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विद्रति, ये 5 नाम ऐसे जो बाह्य में भी होंगे एज वेल एज आभ्यंतर में होंगे। आगे आएंगे मर्म अस्थि संधि होने वाले रोग, तो कुछ नाम इसमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, तो कुछ नाम याद करने पड़ेंगे। पक्षवत हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, यानी एक तरीके से लकवा पैरालिसिस, पक्ष ग्रह यानी अकड़ जाना, अपतानक, अर्दित, शोत, राजक्षमा, अस्थि संधि मशूल, गुदभ्रंश, कुछ इनमें से नाम जितने याद हो जाए उतने याद कर लेंगे, टोटल 14 है। कोष्ठ में आएंगे आभ्यंतर रोग मार्ग में, तो ज्वर, अतिशार, वमन, अलसक, विसिचिका, ये सब रोग हैं। इसके अलावा लास्ट में 5 नाम है, ये नाम याद हो चुके हैं।
ये ना हमारे पांच नाम की तो टेंशन ही नहीं है कि पांच नाम तो बाहर और अभ्यंतर में हम लिख ही रहेंगे। बात रही क्या कहते हैं मध्यम की, तो मध्यम के अगर कुछ नाम याद करने पड़ते हैं तो याद कर लेंगे, पक्षाघात, पक्षवध, अर्धित, राज्य क्षमा, हृदय के रोग, वस्ती के रोग। सिंपल है, देखिए तीन इसमें मर्म दिए गए हैं, सिर का, हृदय का, वस्ती, कहते हैं तीनों रोग होंगे, हृदय मर्म तो हृदय का रोग, वस्ती है तो वस्ती का रोग। इस तरीके से आप तीन नाम और याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। त्रिविध वैद, तीन प्रकार के वैद्य बताए गए। तो मैंने बता दी, तो पहले छद्मचर होता है, एक आपका सिद्ध साधित होता है, वैद्य को प्रयुक्त होता है, छद्मचर, सिद्ध साधित, वैद्य को प्रयुक्त। तो पहला देखेंगे छद्मचर, तो इसमें लिख भी रहा है पहली लाइन को, क्या कहते हैं जो पहली लाइन है इसका पहला पॉइंट है जिसको हाईलाइट कर रखा है, वैद्य भांडे औषधि। मैंने बताया था जिससे कहते हैं शोमारी करे, बढ़िया अलमारी रख ले, बोतल रख ले, किताब रख ले मोटी मोटी और दिखाए कि मुझे कितना आता है, चार्ट पेपर लगा ले, किताब किडनी के डायग्राम बना दे, क्या कहते हैं सारे एकदम डॉक्टर वाले डायग्राम बना दे और दिखाए कि मुझे कितना आता है, सारे चार्ट बना रखे हैं मैंने, किताब से पढ़ता रहता हूँ मैं, और क्या कहते हैं ये मेरी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं जिसमें मैंने शीशे में दवाइयां भर रखी हैं। यानी एक तरीके से क्वैक होते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। दैट इज द छद्मचर वैद्य के लक्षण। और इसे पहला पॉइंट, पहली लाइन का आप मार्क करेंगे, वैद्य भांड औषधि। भांड मतलब होता है बर्तन, भांड मतलब कोई भी ऐसा बर्तन कह सकते हैं या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा मेटेरियल जिसके अंदर स्पेस हो, तो भेंड वैद्य भांड जिसके पास बर्तन अलमारी वगैरह हो, औषधि रखें। ठीक है, बस। नंबर टू सिद्ध साधक, सिद्ध साधक में सेकंड लाइन का पहला पॉइंट देखेंगे, वैद्य शब्दम लमंते। वैद्य शब्दम लमंते ने बताया था जो किसी सिद्ध वैद्य के नाम पर खुद बैठा हो, उसके शब्द पर, उसकी बात पर बैठा हो, जिस सिद्ध नहीं है लेकिन फिर भी बोलता है कि वैद्य हूँ मैं, तो मैं ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। क्यों क्यों ठीक कर दूंगा? क्योंकि जो सिद्ध पुरुष है, जो क्या कहते हैं बुद्धिमान पुरुष है, उसने मुझे आशीर्वाद दिया है और उसने मुझे ड्यूटी दी है, उसने मुझे कहा है कि तुम जिसको भी दवाई दोगे तुम ठीक कर दोगे। यानी जो वैद्य बैठता है, सिद्ध साधक बोला गया, बोलता है कि मुझे उस आदमी का, उस आप पुरुष का, उस चमत्कारी वैद्य का क्या कहते हैं वरदान प्राप्त है कि अगर मैंने तुम्हें औषधि दे दी तो तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये उसका कहना होता है। वैद्य शब्द लवंती हाईलाइट करोगे। तीसरा आओगे प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सत्ता। नाम से तो पढ़ रहा है, जो प्रयोग करे ज्ञान पूर्वक विज्ञान पूर्वक सिद्धि सिद्धा, और जो सिद्ध हो, सिद्धि सिद्धा मतलब एक तरीके से कह सकते हो जिसको तरीके से ज्ञान हो, क्या कहते हैं कि दोष का क्या ज्ञान है, देश का क्या ज्ञान है, दूष का ज्ञान है, क्या काल है, क्या मात्रा है, इन सब कुछ ज्ञान हो और इन सब पर युक्ति करके, इन सब पर क्या कहते हैं तरीके से सोच विचार करके आपको औषधियों की मात्रा का निर्धारण करके, ये सब व्यक्ति जो होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, वैद्य गुणयुक्त या जीवित अभिसार। ठीक है, जीवित अभिसार। आएंगे आगे, तीन प्रकार की ये तीन प्रकार की देना युक्ति जो है तीसरा सत्व आवाज है। तो ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग की जो है दिव्य पाश्र है, स्टार्टिंग की दो, और दूसरा युक्ति व्यवाश्र है। ये एक तरीके से शारीरिक रोगों की चिकित्सा है कि अगर आपको कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो आप दिव्य पाश्र और युक्ति व्यवाश्र करेंगे। और तीसरा जो सत्व आवाज है, सत्व मतलब मन, यानी ये मन की चिकित्सा है। सत्व आवाज में हम क्या करते हैं, जो मन होता है मन को अहित विषयों से दूर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको मानसिक विचारों की चिकित्सा बताई, जिसमें यहाँ पर दोबारा बोला गया है कि जिस अहित विषयों के सेवन से हमको मानसिक रोग की उत्पत्ति हो रही है, तो मन को उन अहित विचारों से दूर क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि जो विचार हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके पास हम क्यों रहें, उन विचारों को अपने मन से संबंध क्यों कराएं, इसलिए उनको दूर कर देने के लिए सत्व आवाज है। ठीक है, देव व्यापाश्रम क्या कराते हैं, देव व्यापाश्रम मतलब एक तरीके से देव चिकित्सा, यानी देवताओं के लिए कोई क्या कहते हैं शांति गर्मी से हो जाता है ना, रिष्ट हो जाते हैं देवता भगवान, या कहते हैं ना कि देव रिष्ट हो गए, नाराज हो गए, कोई गलती ऐसी हो गई, तो उसमें हम क्या कराते हैं, मंत्र का जाप कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, औषधियां देते हैं, और क्या कहते हैं जो मणि होती हैं, जो रत्न होते हैं, आगे जाके आप सेकंड ईयर शास्त्र आगे रत्न पढ़ेंगे, उपन पढ़ेंगे, क्या कहते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा नीला पढ़ा होगा, पन्ना पढ़ा होगा, इसको धारण कराते हैं, कहते हैं ना तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो उन ग्रह को जो ठीक करने वाले होते हैं बलि चढ़ाना। ठीक है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, देव व्यापाश्र। क्या बोलते हैं, देव व्यापाश्र। दूसरा युक्ति अवयव, देखिए युक्ति व्यापाश्र में अपन क्या कराते हैं, इसमें अपन बेसिकली जो आहार विहार है इन सबको ठीक करते हैं। इसमें युक्ति पूर्वक अपन क्या करते हैं, इसके लिए औषध का सेवन कराते हैं। युक्ति पूर्वक से मतलब होता है देश का, काल का, मात्रा का, दूष्य का, इन सब का ध्यान रखे। अगर जो जो व्यक्ति है या रोगी है वो अगर पित्तज प्रकृति का है तो उसको उष्ण औषध ना दें, अगर पित्तज देश में रह रहा है तो उसको पित्तज व्यकार वाली औषध ना दें, अगर शरद ऋतु चल रही है तो ध्यान रखे। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, युक्तिकृत चिकित्सा। सत्व आ जाए मैंने बताई दी। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है यम, यम किसको बोलते हैं, तो बस नाम याद कर लोगे, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, आय स्थित ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, इन सबको अपन क्या बोल देते हैं, बेसिकली यम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नीचे आएगा और भी क्या लिख रहा है,
लेकिन आज शरीर को आश्चर्य बनाकर तीन प्रकार की औषधियां होती है, अंत परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन, शस्त्र परिमार्जन बता चुका हूँ अंत परिमार्जन फॉर इंटरनल यूज लाइक यवागु में चक्षु सूत्र दो में पढ़े थे, बाह्य परिमार्जन फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक आपकी चूर्ण पड़ते चक्षु सूत्र तीन में पढ़े थे, शस्त्र परिमार्जन जो आपके सर्जिकल कर्म छेदन भेदन वगैरह ये सब ठीक है। फिर चार्ट बताया गया है देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय ठीक है। जो देव व्यपाश्रय इसमें अपन क्या करते हैं, जो युक्ति व्यपाश्रय है इसी के अंदर ये अंत परिमार्जन बाहरी परिमार्जन और स्वस्थ प्रजन होता है। क्यों आता है इसके अंदर भी देखिए सत्वावजय तो मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट है, मेंटल डिसऑर्डर का देव उपाचार इसमें अपन क्या करा रहे हैं हवन और यज्ञ वगैरह करा रहे हैं ठीक है। अब बात होती इसकी युक्ति के उपाचार में करा रहे थे मात्रा पूर्ण या युक्ति पूर्वक औषध सेवन ठीक है, औषध सेवन। तो इसी के अंदर ये तीन आ जाता है अंत परिमार्जन बाहरी परिमार्जन शस्त्र प्रणिधान। अंत परिमार्जन इसमें क्या कराएंगे क्या कहते हैं बेसिकली अंतर मतलब यूज कराएंगे यानी संशोधन करा सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। भाई परिमार्जन में एक्सटर्नल यूज में अभ्यंग करा दो क्या कहते हैं उसका स्वेदन करा दो क्या कहते हैं प्रलेप वगैरह लगा दो ठीक है। शस्त्र में सर्जरी में छेदन भेदन मारण पाटन ये सब अपन करेंगे ठीक है। अब देखिए आगे कुछ विशेष बात नहीं बची है, बस एक तरीके से कथा बची है जो कथा मेरे आपके सामने काफी और पड़ती है। लिख रहा है बुद्धिमान मनुष्य रोग के उत्पन्न होने पर बाहरी चिकित्सा भीतरी चिकित्सा ठीक है और अथवा शस्त्र प्रजनन से कल्याण प्राप्त करता है। जो लोग होशियार होते हैं बुद्धिमान होते हैं वो अगर उनको कोई रोग होता है तो वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट बाह्य परिमार्जन हो चाहे अंत परिमार्जन हो चाहे सर्जरी कर्म हो, जो होशियार पुरुष होते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं मूर्ख होते हैं, यानी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने शत्रु को जल्दी नहीं पहचान पाता, उसी तरीके से मूत्र जो मूर्ख रोगी होता है या मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने रोग को शीघ्र नहीं पहचान पाता और उसकी अवहेलना करता है, उसको कमजोर समझता है, वो समझता है कि तो छोटी सी बात है, ये तो छोटा सा सिम्टम है, इसको तो अपने ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है बाद में वो किसी भर जाती है और जब भर जाती है तो वो रोग जो होता है धीरे बलवान होता जाता है, बलवान होता जाता है, लेकिन फिर भी उस रोगी व्यक्ति को अकल नहीं आती। धीरे धीरे जो रोग होता है वो पुराना होता जाता है और उस रोगी के बल को आयु को धीरे धीरे नष्ट करता जाता है। जब देर हो जाती है वो रोग इतना बढ़ जाता है कि वो साध्य से असाध्यता की तरह बढ़ जाता है, फिर रोगी व्यक्ति को लगता है कि अब तो दिक्कत हो गई, अब मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। और जब उसकी क्या कहते हैं जब उसे तकलीफ होती है तो अपने निकट लोगों को बुलाकर कहता है, जी देखिए ये सब बातें दिख रही है, इन सबको मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ ठीक है, आप इन सबको मत पढ़िए मेरी बातों को सुनिए। जब उसको कष्ट होने लगता है तकलीफ होने लगती है यानी उसका रोग बढ़ गया, एक तरीके से कह सकते हो साध्य से असाध्यता की तरह बढ़ गया, चिरकालीन हो गया, पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, तो करता है वो अपने रिश्तेदार को बुलाता है, अपने घर वालों को बुलाता है, बोलता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर से कहो कि जितना पैसे ले ले लेकिन मुझे ठीक कर दे। लेकिन क्या होता है भला जब रोग इतना बढ़ गया इतना भयंकर हो गया तो क्या वो ठीक हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, कोई वैद्य ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता ठीक कर दे। जैसे फिर एक एग्जांपल दिया गया कि जिस तरीके से अगर पूंछ में बंधी हुई रस्सी को अगर जला दिया जाए अगर एक लिमिट तक तो उसको हटाया जा सकता है, लेकिन जब अगर आपने नहीं हटाया तो वो आग इतनी बढ़ जाएगी जलाकर राख कर देगी ठीक है। उसी तरीके से वैद्य के साथ है कि जो वैद्य है जब रोग इतना बढ़ गया तो क्या कहते हैं उसको नहीं बचा पाता अर्थात वो मर जाता है ठीक है। लास्ट में ये चार्ट दिया गया है, चार्ट में आपको बता दिया। आइए चैट सेक्शन बताइए कोई समस्या, पहले ये मुझे बताइए आवाज क्लियर आ रही है, सबसे पहला पॉइंट आवाज क्लियर आ रही है। आपका सब बच्चे बताइए चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। और बच्चे बताइए इमरान आशीष अभिषी धीरज अमृता गायत्री ईशा रोशनी श्रद्धा शिवानी सब बच्चों आप सबके क्लियर है, सब लोगों को समझ में आई बात है नहीं आई ठीक है। तो कोई लेक्चर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो अपन मीटिंग एंड करते हैं। चैप्टर 12 अपन कल से स्टार्ट करेंगे बात कला कली अध्याय, कोशिश करेंगे कल एक लंबा लेक्चर लेके तो खत्म कर दें ठीक है, नहीं तो बेसिकली नहीं हो पाएगा कल तो दो लेक्चर लेने पड़ेंगे, तो मुझे लग नहीं रहा एक लेक्चर में खत्म हो पाएगा, दो लेक्चर लेने पड़ेंगे ठीक है। तो या तो कल दो लेक्चर ले लेंगे या एक कल एक परसों लेक्चर ले लेंगे ठीक है। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर आप आज पढ़कर नहीं आए तो हमारे चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कल मुझसे डाउट पूछ लीजिएगा, चलिए पूछ लीजिए अगर अभी कोई आ रहा है तो पूछ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई डाउट किसी का? सर युक्ति प्रमाण से जो पुनर्जन्म की सिद्धि है वो एक बार बता दीजिए।
देखिए युक्ति प्रमाण से बेसिकली ये बताया जाता है, देखिए जैसे युक्ति प्रमाण में कुछ एग्जांपल दी, उन्होंने कुछ बात बताई, जैसे बोलते हैं युक्ति होती है, बेसिकली युक्ति होती है किस पर आधारित है, अनुमान पर आधारित है। उन्होंने ये बोला है कि जो युक्ति है उसको अनुमान के अंदर रखते हैं। उसके विमर्श में भी एक बात आई थी, क्या कहते हैं आगे उससे पहले ही आई थी, बल्कि जो युक्ति होता है उसको कहीं कहीं अनुमान के अंदर रखा गया है। अब देखिए युक्ति में कैसे बताया गया, उन्होंने ये बोला गया कि जो आपकी छह धातु है यानी सर धातु पुरुष होता है यानी पंच आपके महाभूत और एक आत्मा, जब मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करते हैं, जब वो गर्भ की उत्पत्ति करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कर्ता होता है जो एक्टिविटी करा रहा है, एक करण होता है, करण में क्या क्या आ जाता है आपका, आपके शुक्र आ जाता है, शोणित आ जाता है, आपकी आत्मा आ जाती है, आपका मन आ जाता है। तो ये क्या एक तरीके से आपके करण है, यानी जो उस कर्म को कराने में सहयोग करा रहे हैं, यानी इन सब क्या कहते हैं, इन सब करण के कारण काम हो पा रहा है, कर्ता इसको करा रहा है। कर्ता मतलब आप मान लीजिए चेतनता, जो चेतनता है उसके अंदर चेतनता ही तो ये कर्म करा रही है। अब ये जो कर्म जो भी हो रहा है, ये कर्म किसकी वजह से हो रहा है, चेतनता की वजह से ये कर्म हो रहा है, कर्ता और करण के संयोग की वजह से। अब आपको ये बात समझ में कैसे आएगी, ये कर्म कर्ता और करण की वजह से हो रहा है, तो इसमें युक्ति प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने यही बोला कि जिस तरीके से कर्ता और करण के सहयोग की वजह से कर्म हो रहा है, क्योंकि बिना कर्ता और करण के सहयोग से कर्म नहीं होता और उसमें कोई फल नहीं होता, यानी जिस तरीके से कोई बीज है, ठीक है, मैंने यही बताया था कि बीज है, बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, यानी बिना बीज के कोई भी पेड़ की या कोई फल की उत्पत्ति नहीं होती, और बिना कर्म के कोई भी क्या कहते हैं क्रिया उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक जो कर्ता है और जो करण है यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट जो कर रहा है वो इन्वॉल्व नहीं होती, जो कुमार है वो घड़ा बना रहा है तो कुमार क्या है, एक तरीके से कर्ता है, और करण क्या है, जो मशीन है, जो मिट्टी है, ये सब क्या करण है। जब वो दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसको समझने के लिए इसको पुनर्जन्म में ये सिद्ध साबित किया गया है कि जो पुनर्जन्म है ये क्या कहते हैं एक तरीके से होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें युक्ति में ये बताया जा रहा है, युक्ति के थ्रू ये बताया जा रहा है कि जब कर्ता और करण यानी आत्मा और क्या कहते हैं और जो शुक्र शोणित है, जब उसमें चेतनता आ रही है, ये सब मिल रहे हैं और साथ में संयोग कर रहे हैं, तब जाके गर्भ का निर्माण हो रहा है। गर्भ का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जा रहा, यानी मात्र पिता के अनुसार नहीं हो रहा, यानी यदृक्षा से भी नहीं हो रहा, यानी कि पर इच्छा ईश्वर से भी नहीं हो रहा, इसका निर्माण युक्ति के थ्रू ऐसे प्रूव किया गया कि इसका जो निर्माण है वो कर्ता और करण की दोनों की सहायता से हो रहा है। और ये हम किससे समझते हैं, ये युक्ति प्रमाण से समझते हैं। अब क्लियर शिवांगी, इसमें क्या क्या बातें की गई है, क्या क्या पेपर में लिखना है, कोई और डाउट किसी बच्चे का, कोई और समस्या किसी बच्चे को, कुछ दोबारा पूछना कोई टॉपिक इसमें कोई समस्या आ रही हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज का अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन चैप्टर 12 पर स्टार्ट करेंगे।